शांति। चलें कुछ समय के लिए बाबा के पास, सर्वशक्तिमान से संबंध बना, आज बाबा से सारे संबंधों का अनुभव करेंगे। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा, इस देह के संबंध, देह के पदार्थों से संबंध तोड़, सिर्फ एक मुझसे संबंध जोड़ना। पुरानी दुनिया को भूलना है। अभी तक पुरानी दुनिया में अगर बुद्धि फंसी रहेगी तो बाबा कहते हैं सतयुग में, संगम में उस सुख से वंचित रह जाएंगे जो बाबा हमें देना चाहते हैं। तो आज सारे बंधनों को तोड़, चारों तरफ से बुद्धि हटा, आज हम अपने बाबा के साथ सारे संबंधों को महसूस करेंगे। जिस भी संबंध की कमी आपके जीवन में है, जिस भी संबंध का अभाव आपके जीवन में है, उस हर संबंध से बाबा से संबंध जोड़ेंगे, बाबा से रिश्ता जोड़ेंगे और बाबा जैसा फरिश्ता बनेंगे। चलते हैं, भ्रकुटी सिंहासन पर मैं आत्मा, इस संसार की सबसे अधिक पवित्र आत्मा हूँ, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, समस्त कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, मैं अपने मन बुद्धि संस्कार सभी की मालिक हूँ। कर्मेंद्रियां मेरे ऑर्डर प्रमाण चलती हैं, मैं मालिक हूँ, मैं आत्मा मालिक हूँ। आज मैं बाबा की विशेष तीन बातें ध्यान रखूंगी। बाबा ने कई बारी मुरलियों में कहा है, बच्चे तोड़ना है, मोड़ना है, जोड़ना है। तो मैं आज अपने सर्व कर्म बंधनों को तोड़ बाबा से पास जाऊंगी और अपने सभी पुराने स्वभाव संस्कारों को मोड़ एक बाबा से रिश्ता जोड़ूंगी। उस सर्वशक्तिमान से जब आपका रिश्ता जुड़ जाएगा तो जीवन स्वतः ही सुंदर हो जाएगा। भ्रकुटी पे चमकती हुई मैं आत्मा देख रही हूँ स्वयं को प्रकाश के शरीर में। पूरा शरीर मेरा दिव्य किरणों से, सफ़ेद किरणों से, प्रकाश की वाइट कलर की किरणों से भर गया है। रोम रोम से मेरे दिव्य किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही हैं। चारों ओर का वायुमंडल दिव्य बन गया है, पवित्र बन गया है। अब मैं फरिश्ता इस देह को छोड़ ऊपर की ओर चला, उड़ चला मैं फरिश्ता आकाश में। मैं हल्का फरिश्ता, मस्तक पर चमकती दिव्य आत्मा, डबल लाइट फरिश्ता, उड़ता जा रहा हूँ ऊपर की ओर। पैरों के नीचे देखता जाता हूँ इस धरती को, भ्रकुटी से मेरे दिव्य किरणें निकल चारों ओर फैल रही हैं।
धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ता जा रहा हूँ। सभी ग्रह नक्षत्रों को देखता, चांद सितारों को देखता, मुझे आत्मा से दिव्य किरणें निकल सभी ग्रह नक्षत्र में चारों ओर फैलती जा रही हैं। पूरा ब्रह्मांड मेरे इन दिव्य किरणों से भरपूर हो गया है। अब मैं फरिश्ता पहुंच गया अपने बाबा के पास। वो फरिश्तों की दुनिया जहां सितारे बरसते, जहां फरिश्ते रहते हैं, मैं पहुंच गया अपने बाबा के पास। धीरे धीरे कदम बढ़ाता बाबा की ओर, बाबा के पास पहुंचा। बाबा आओ बच्चे, मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। भूल जाओ इस पुरानी दुनिया को, बुद्धि योग तोड़ो इन सब पुरानी दुनिया से, देह के पदार्थों से, देह के संबंधों से, हर एक से संबंध जोड़ो। जितना जितना इस दुनिया से तोड़ोगे संबंध, उतना उतना मुझसे जुड़ता जाएगा। बाबा के इन मधुर शब्दों को अपने कानों में घोलता मैं फरिश्ता। बाबा के पास बैठा मैं फरिश्ता, बाबा ने मुझे अपने पास बैठा लिया। बाबा आज से मैं अपने सारे संबंध आपसे जोड़ता हूँ। इस पुरानी दुनिया से मैं नाता तोड़ आपसे संबंध रखूँगा बाबा। मैं सिर्फ आपका होकर रहूँगा बाबा, मैं सिर्फ आपका बन के रहूँगा बाबा। ये आर्टिफिशियल संबंध, दिखावटी संबंधों से दूर मैं सिर्फ एक अपने बाबा से संबंध रखूंगा बाबा। आज बाबा सबसे पहले मुझे दिखते अपने माँ के रूप में। मैं बाबा के हाथ पकड़ कर बैठा तो कभी बाबा की गोद में सर रखता, बाबा बहुत प्यार से मेरे सर पे हाथ फेरते। आज मुझे अपनी माँ के रूप में बाबा का प्यार मिला। बहुत प्यार से बाबा मेरे सर पे हाथ फेरते, मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगाते। मेरी माँ स्वयं सर्वशक्तिमान है। उस सर्वशक्तिमान के ममता के आंचल में मैं बच्चा बन खोया रहता। कभी बाबा मेरे सर पे हाथ फेरता तो कभी मेरे माथे को सराहता। कभी मैं अपनी माँ का हाथ पकड़ के चलता तो कभी अपनी माँ के गले लग जाता।
बहुत सुंदर अनुभव बाबा। अब बाबा को मैं अपने पिता के स्वरूप में देखता, जैसे एक पिता का साया अपने बच्चे पर होता तो बच्चा खुद को महफूज महसूस करता, सुरक्षित महसूस करता। ऐसे ही मैं आज, ऐसा लगता है आज मैं अनाथ से सनाथ बन गया बाबा। आज मुझे अपना सच्चा पिता मिल गया। जो मुझे ना सिर्फ इस जन्म में इतना प्यार देता, मुझे 21 जन्मों का वर्षा देता, मुझे 21 जन्मों तक सुख देने का वादा करता। आज मैं अपने पिता के रूप में बाबा आपसे सारे संबंध जोड़ता हूँ। मैं आपका बच्चा बाबा, आप मेरे पिता। मैंने बहुत गलतियाँ की बाबा, मैं उन गलतियों के लिए आज अपनी हर एक गलती आपके सामने स्वीकार करता हूँ बाबा। आप ही मेरे पिता हो। आज अपने बाप के रूप में बाबा को देख मन बहुत हर्षित होता, और मन जैसे निश्चय बुद्धि से भर जाता। अब मुझे किस बात का डर, इसका पिता स्वयं सर्वशक्तिमान हो। बाबा मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी, अपने जीवन की जिम्मेदारी आपको सौंपता हूँ। जैसे आप चलाओगे मैं वैसे चलूँगा बाबा, जहाँ आप बैठाओगे मैं वहाँ बैठूँ। सब बाबा को सौंप दिया, बाबा की गोद में बैठा मैं फरिश्ता। बाबा का हाथ पकड़ कर चलता मैं फरिश्ता। मैं बाबा का मीठा सा प्यारा सा बच्चा और मेरा प्यारा सा बाबा। अब बाबा को मैं देखता अपने दोस्त के रूप में, इतना प्यारा मेरा दोस्त, मेरा खुदा दोस्त, जिससे मैं अपने मन की हर बात शेयर करता। जैसे आप अपने दोस्त को हर बात दिल की बताते, ऐसे ही मैं आज अपने बाबा को अपने मन की हर बात बताता। कभी सखा बनाता बाबा को, अपनी हर कमजोरियों को बाबा के सामने आज वर्णन करता, क्योंकि वो मेरे खुदा दोस्त के रूप में है। बाबा ये कमजोरी है मेरे दोस्त, मेरी ये कमजोरी नहीं मिटती। तुम ही बताओ मैं क्या करूं, तुम ही बताओ इस कमजोरी को कैसे मिटाऊं, तुम ही मुझे राह दिखाओ। एक दोस्त ही एक दोस्त को सच्ची राह दिखाता है। तुम ही मुझे राह दिखाओ, मैं इन कमजोरियों को मिटा सकूं। बाबा दोस्त बनाकर बाबा का हाथ पकड़ के चलता, हर बात अपने दिल से की बाबा को बताता। इतना प्यारा सखा बहुत भाग्य से नसीब होता है, जो सही माने में सच्चा सखा है, सच्ची सखी। अब बाबा को मैं देखता एक छोटे बच्चे के रूप में।
बाबा के साथ खेलता। ऐसे छोटे बच्चे को हम भोजन कराते हैं बहुत प्यार से, ऐसे ही अपने बाबा को अपने हाथ से भोजन कराता। फिर धीरे से बाबा को पानी पिलाता, फिर बाबा का मुंह पोंछता, बहुत प्यार से बाबा के साथ खेलता। अब बाबा को मैं देखता, अब मैं देख रही हूँ मैं आत्मा बाबा को अपने साजन के रूप में, सलोना साजन, अनोखा साजन, पतियों का पति, ऐसा साजन, ऐसा पति जो हम माताएं बहनें कब से पुकार रही थी कि आओ बाबा, हे नाथ आओ, इस भिखारी दुनिया से हमारी रक्षा करो। आज वो आया और हमें सब इन भिखारों से छुड़ाकर अपने साथ ले जाने को तैयार है। इतना अनोखा सलोना साजन कभी नहीं, कहीं नहीं हो सकता। आज बाबा को मैं अपने साजन के रूप में देख रही हूँ। बाबा ने शक्तियों के रंग से मेरी मस्तक पर लगाया अपना बना लिया। अष्ट शक्तियों की चुनरी बाबा ने मुझे उड़ा दी और आज से बाबा मैं आपकी और आप मेरे। अब बाबा को मैं देख रही हूँ सद्गुरु के रूप में, गुरुओं का गुरु, सद्गुरु जो हजार भुजाओं से हमारे साथ खड़ा है। देखे बाबा को हजार भुजाओं के रूप, बाबा की हजार भुजाएं हमारे मस्तक पर, हमारे सिर पर। बाबा बाबा से मैं ज्ञान सुनता, मैं आत्मा, मैं फरिश्ता, अपने गुरु से सच्चा ज्ञान प्राप्त करता, मैं फरिश्ता। बाबा मैं आपका शिष्य, आप मेरे बाबा, आप मेरे गुरु। जैसे चलाओगे, जहाँ चलाओगे, वैसे ही मैं बैठूं। तो बाबा को कभी भाई के रूप में देखता, भाई के रूप में बाबा के हाथ पे, बाबा की कलाई में मैं राखी बांधती हूँ और बाबा मुझे सदैव मेरी रक्षा के लिए मुझे वचन देते हैं। इन कलयुगी विकारों से बचाने के लिए बाबा मुझे प्रेरणा देते हैं। कभी बाबा को बहन के रूप में देखते, बाबा मेरे राखी बांधते। आज बाबा से मैं हर संबंध जोड़ती हूँ। बाबा आज से मेरे सारे संबंध आपसे
ये मन, ये तन, ये जीवन आपको समर्पित करती हूँ बाबा। बाबा ने मुझे हृदय से लगा लिया, चारों ओर जैसे सितारे बरस रहे हैं, महसूस करें उन सितारों की बारिश मुझ पर और मेरे बाबा पर। और देखती मेरे बंधन टूटते जा रहे हैं, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।